नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप देख रहे हैं बिहार का सबसे बड़ा यूट्यूब न्यूज़ चैनल लाइव सिटीज़। जिस तरह से कल से लगातार हम ये खबरें दिखा रहे हैं, महागठबंधन के सभी शीर्ष नेता रांची के रिम्स अस्पताल जा रहे हैं ताकि वो लालू प्रसाद यादव से मिल सकें, उनकी सेहत के बारे में जान सकें, साथ साथ राजनीति की भी बात हो सके। जो तस्वीरें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, किस तरह से शरद यादव की कल मुलाकात हुई है, उसके बाद फिर जीतनराम मांझी की भी मुलाकात हुई है, सभी नेताओं की धीरे धीरे मुलाकात होने लगी है और ये तस्वीरें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। किस तरीके से सभी नेता रिम्स के अस्पताल में जाते हैं, लालू प्रसाद यादव से मिलते हैं और ये कहते हैं कि जल्द ही सीटों पर समझौता हो जाएगा और भी कई बातें जो कहते हैं हमने साफ साफ आपके सामने रख दिया है। अब इस पर तंज कसते हुए भाजपा के प्रखर प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने यह कहा है कि महागठबंधन की जितनी पार्टियाँ हैं वो कमज़ोर हैं और यही वो बड़ी वजह है जिस कारण से सभी लोगों को माथा टेकने के लिए लालू प्रसाद यादव के द्वार जाना पड़ रहा है। और भी क्या कुछ कहा है कटाक्ष करते हुए प्रेम रंजन पटेल ने, सुनिए। महागठबंधन के सभी दलों के नेता मिल रहे हैं, सभी लोग अपना अपना भविष्य लालू में ही तलाश रहे हैं, इसलिए सब लोगों को जेल के दरवाजे तक जाकर करके अपना मत्था टेकना पड़ रहा है। सभी लोगों को लगता है कि हमारा भविष्य लालू ही तय करेंगे, पार्टियों का कोई जनाधार नहीं है। महागठबंधन के अंदर जितने भी दल हैं उन दलों का भविष्य लालू प्रसाद में ही निहित है। लालू के माध्यम से ही लोगों को लगता है कि सीटों का बंटवारा होगा, सीटों का तय होगा और नेताओं का भविष्य भी तय होगा। जितने दल हैं, किनको कितनी सीटें मिलेगी और कौन से नेता कहां से चुनाव लड़ेंगे, ये लालू ही तय करेंगे। इसलिए सभी लोग लालू के पास जाकर करके मिल रहे हैं और सब लोग उनके जल्द निकलने की कामना भी कर रहे हैं। सभी का भविष्य लालू स्वयं तय करेंगे। जिस तरह से आपने वीडियो के माध्यम से सुना, किस तरह से लाइव सिटीज से खास बातचीत करते हुए प्रेम रंजन पटेल ने अपनी बातों को सामने रखा और ये भी कह दिया है कि सभी लोगों को जेल तक जाना पड़ रहा है अपने सीटों का समझौता करने के लिए और माथा टेकना पड़ रहा है लालू प्रसाद यादव के सामने, क्योंकि वही सर्वे सर्वा है। कोई भी डिसीजन अगर होगा तो लालू प्रसाद यादव ही लेंगे और शायद यही महागठबंधन की अब स्थिति बच गई है। किस तरीके से कल तेज प्रताप यादव तेजस्वी यादव से मिलते हैं आधी रात को, उसके बाद वो कहते हैं कि ये कृष्ण और अर्जुन की मुलाकात है। हालांकि कर्ण अर्जुन की मुलाकात के बाद या कृष्ण अर्जुन की मुलाकात के बाद कोई सियासत होगी, इसकी उम्मीद लगाए बैठे हैं राजद के सभी बड़े नेता। लेकिन भाजपा अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रही है, जैसा कि हमारे खबरें भी निकल के आ रही हैं। प्रेम रंजन पटेल ने हमसे बातचीत में भी ये कहा है कि भाजपा को या एनडीए खेमे को इससे कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि ये उनका चरित्र दिख रहा है, किस तरीके से जितने शीर्ष नेता हैं महागठबंधन के वो जा रहे हैं लालू प्रसाद यादव के सामने माथा टेकने जेल में। इन सभी को जेल के द्वार तक जाना पड़ रहा है। आगे क्या कुछ होगा, क्या राजनीति बदलेगी, क्योंकि अब खरमास खत्म होने वाला है, खरमास के बाद क्या कुछ निकल के आएगा उससे लाइव स्ट्रीम आपको जोड़े रखेगा। हम हर पल की खबरों के साथ आपको अपडेट रखेंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। इसके अलावा हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें ताकि हर पल की खबरें आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।